12 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और जिस तरीके से वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जाहिर तौर पर विनोद जी ये पहली बार शायद इतिहास में हुआ होगा कि कितने कम वक्त में शपथ ग्रहण भी हो रहा है। आज नतीजे आए और 12 को शपथ ग्रहण। देखिए, कोई गुंजाइश तो बची नहीं किसी तरह की और उत्साह का समय है। मैं तो ये कह रहा था कि इतिहास में नरेंद्र मोदी जी तो हम याद रखे जाएंगे, भूपेंद्र पटेल भी रखे जाएंगे इतिहास में, कि उनके नेतृत्व में राज्य में जब वो मुख्यमंत्री थे तब माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूटा। माधव सिंह सोलंकी के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनको कोई याद नहीं करता है, लोग याद करते हैं माधव सिंह सोलंकी को। ऐसे ही 30 साल 50 साल बाद जब गुजरात के एनालिसिस किया करेंगे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ पत्रकारों की, तो वो कहेंगे भूपेंद्र सिंह पटेल का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। तो ये भी देखिए इतिहास ऐसे बनता है। दूसरी जो नेहा बात आप कर रही थी वो ये कि पूरा चुनाव प्रचार जो था वो गुजराती में संबोधन में निकला, लेकिन जब आज नतीजों के बाद सामने आ रहे हैं तो हिंदी में, यानी गुजरात की जो बात है वो आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी थी। 2024 में आप इस तरह के नतीजे के साथ जब आगे जाएंगे, जब आम चुनावों के लिए विनोद जी, तब यही मैसेजिंग है, यही बड़ा मैसेज है। ये मैसेजिंग यही इसीलिए हिंदी में बोल रहे हैं वो, कि उन्हें मालूम है गुजरात का चुनाव इतना उसका राष्ट्रीय महत्व हो गया है कि पूरा देश इस समय टीवी चैनल्स पे देख रहा होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तमाम सारे नेशनल मीडिया वहाँ पर है। तो वो चाह रहे हैं अब ये गुजरात का चुनाव कोई लोकल गुजरात का चुनाव नहीं रह गया है, ये गुजरात का चुनाव एक तरह से पूरे देश की नज़र है। हालांकि हिमाचल का भी चुनाव आज हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस गुजरात पर है, क्योंकि जिस तरह का गुजरात का चुनाव इस बार हुआ कि तो मोदी जी ने पूरा ताकत लगाई, अमित शाह जी ने कैंप किया और कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी तो लड़ी, अब नतीजा जो भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से गिव अप कर रखा था इस चुनाव को, तो एक तरफा चुनाव तो लग ही रहा था उसके पहले। बीजेपी प्रवक्ता केके शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केके शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो हिमाचल की हताशा है शायद बीजेपी की गुजरात में प्रचंड जीत के साथ थोड़ी कम हो गई होगी। जी नेहा जी, देखिए अभी हिमाचल में हताशा हम महसूस नहीं कर रहे हैं, निश्चित तौर से अभी वहाँ काउंटिंग चल रही है और लास्ट मोमेंट तक हम उसका इंतजार भी करेंगे। रही बात गुजरात की तो मैं बहुत अरे सर, उन्हें तो डर सताने लगा है, आप कह रहे हैं कि हमें अभी हताशा नहीं है। नहीं नहीं, उनको तो डर क्यों सता रहा है मुझे नहीं पता। और इतनी अविश्वसनीयता अपने विधायकों के प्रति रखना, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। खैर, वो उनका विषय है, मैं उस पर बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँ कि गुजरात में जिस ढंग का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय हमको मिला है, सातवीं बार वहाँ हम जो सत्ता जो है में आ रहे हैं और जो जनता का आशीर्वाद मिला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भूपेंद्र पटेल जी के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो उनके नेतृत्व में जो सरकार वहाँ चली डबल इंजन की, और जो ऐतिहासिक काम हुए वहाँ डेवलपमेंट के, निश्चित तौर पे उसको आशीर्वाद दिया है गुजरात की जनता ने, गुजरात की जनता का भी धन्यवाद है। और ये जीत जो है, जैसा कि अभी अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि इसके बड़े संदेश हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ 2024 के लिए भी ये बड़े संदेश के रूप में काम आएंगे। 2024 का सेमीफाइनल से माना जाए, केके शर्मा जी, 2024 का सेमीफाइनल है ये? नहीं, हाँ नहीं, ये इसको नेहा जी मैं सेमीफाइनल और फाइनल के इस तरह रूप में नहीं देखता हूँ। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि जिस ढंग से जो है आशीर्वाद जनता का मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और खासकर उन विपक्षियों के लिए एक जवाब है कि जो बार बार गुजरात मॉडल को लेकर प्रश्न उठाते थे, और आज देख रहे हैं कि 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ विकास का मॉडल है या जो वहाँ डेवलपमेंट वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको एक बार पुनः आशीर्वाद वहाँ की जनता दे। सांसद तो ये जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, दर्शना जी बधाई आपको। अब हम जब भी बात करते हैं, मैं जिस जो भी सवाल पहले पूछती हूँ, 154 से 55 हो जाता है, 55 से 56, अभी 158 पर आप लोग लीड लेते हुए दिख रहे हैं। ये अप्रत्याशित जीत सबसे पहले तो आप किसके नाम पर दे रही हैं, और सामने जो लोग कह रहे थे कि बाकी दो पार्टियां आ जाएंगी, एक तीसरी शक्ति आ जाएगी तो वहां कांग्रेस को नुकसान होगा, वैसा लग नहीं रहा है कि 16 और 5 के आंकड़े से किसी भी तरह की कोई समस्या आप लोगों के लिए वो खड़ी भी कर पा रहे थे। सबसे बड़ा कारण और जीत का श्रेय किसे? आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। दर्शना जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आई।
जीत का श्रेय किसे देंगी यहाँ पे गुजरात में इतनी बड़ी जीत का? मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री के प्रति जो आदर है हम लोगों ने उनकी जबान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा, सत्ता और संगठन का समन्वय, ये सबका सामूहिक प्रयत्न है और सबको विकास चाहिए, तो वही आज उसके परिणाम में दिखता है कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद में जो केंद्र सरकार से जितनी भी स्कीम निकली, योजना बनी, और इसमें गुजरात सरकार ने बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लिया और ये योजना लोगों तक पहुंची, लोगों ने इसका अनुभव किया, और जब अनुभव की बात आती है, अनुभूति की बात होती है, तो ये विश्वास कायम हो जाता है कि ये जो लोग बोलते हैं वो करते हैं। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी बोलते थे कि जिसका खातमुहूर्त हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं, तो 11 महीने में काम पूर्ण हो जाता था। तो इसी के हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, जिस तरह से इको सिस्टम बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, और नीचे तक कॉरपोरेशन से लेके नगर पालिका और उसके साथ में संगठन जुड़ गया, संगठन में पन्ना प्रमुख से लेके बूथ पर बैठने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के प्रति बहुत आदर रखता है, प्यार रखता है, तो जब उन्होंने बोला कि मेरा रिकॉर्ड आपको भूपेंद्र भाई के लिए तोड़ना है, तो एक सामूहिक एफर्ट से हम लोग एक परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं। जब ये G20 समिट का हम लोग होस्ट कर रहे हैं तो उसका भी लोगो हमारा है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो एक कुटुंब भावना से हम आगे चलते हैं जिसमें परिवार के लोग साथ में जुड़ जाते हैं, और हर एक उस इलाके में ज्यादा समस्याएं बताई जा रही थी, और ये जो तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी कूदी थी चुनावों में वो उसी इलाके में सबसे ज्यादा जोर लगा रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद वहां समस्या होगी। आपको कभी ये महसूस हुआ, आपको वो दिक्कतें लगी, वो संघर्ष लगा, लड़ाई थोड़ी ज्यादा भीषण लड़नी पड़ी? पहले से भरोसा था, नहीं नहीं हम लोग उनको कंपटीशन में मानते ही नहीं थे, क्योंकि वो कॉरपोरेशन में जो कुछ संभावनाएं उनके लिए बनी थी उसके बाद में हम 2 साल पब्लिक के बीच में रहे, और तो ये उनको लग रहा था कि ये हम लोगों को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा, लेकिन देखिए उसके प्रदेश अध्यक्ष भी वहां से सीधे हार जाएंगे, और मुझे लगता है कि उनकी जो राजनीति रही वो सिर्फ कागजों पर रही, मीडिया में रही, या तो झूठ के पटारे पर रही। पैसा कहां से आता है वो मुझे नहीं पता चलता, वो पकड़े भी गए पैसे उनके, जो देखा होगा कि इतने सारे पैसे जब पंजाब में जब उनके आज उनकी सरकार है जो वो उनका पगार भी नहीं कर रही है, और चुनाव में इतने सारे पैसे कहां से खर्च होते हैं। गोवा में भी वो अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए 40 सीटों पे आए थे और वहां पे उनका डिपॉजिट गुल हो गई थी, बाद में जब गुजरात में उन लोगों ने ले गए पसंद भी नहीं आई, और मुझे भी लगता है कि आज भी उनका खाता नहीं खुलेगा, उनका जो भी वोट शेयर बढ़ेगा शायद वो कांग्रेस का बढ़ेगा। दर्शना जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मेरी सूरत में मौजूदगी थी और वहां पर 2 मुख्य कारोबार हैं, हीरा कारोबार और कपड़ा कारोबार, और उनके कारोबारियों को यही दिक्कत थी कि कोरोना के बाद भी अभी भी ट्रैक पर, अभी भी पटरी पर कारोबार नहीं पहुंच पाया, लेकिन सब चीजों को दरकिनार करते हुए सबके नाम पर सिर्फ मोदी जी थे, और ये शायद एक बड़ा फैक्टर था आपके संसदीय क्षेत्र से भी। नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो आना हुआ, उनके साथ में उनकी बात देखना, प्रधानमंत्री ने इतना डेवलपमेंट किया, ग्लोबली भी इतना काम किया है, उनको नजदीक से देना, स्वयं भी लोगों को उनको दर्शन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रति जो उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई है, जब जब सूरत के ऊपर जब भी कुछ भी जो विपदा आई उसमें वो हमारे बीच में खड़े रहे, ये कोविड हो या डिजास्टर हो, धरतीकंप हो या तो हमारी रेल हो, जो प्रधानमंत्री थे उसके पहले मुख्यमंत्री थे और तभी से वो के बीच में, और उन्होंने ही आदत हम लोगों को डाली है, तो ये लोग ना तो कोविड में दिखते हैं, ना तो जब वो कोई समस्या आती है तब दिखती है, सिर्फ राजनीति करने के लिए जो आ जाते हैं, तो प्रजा को इसका उसका पता चल जाता है।